नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इस समय हम किरतपुर मनाली फोर लेन में है और ये टनल नंबर 3 में हम एंटर कर रहे हैं। आप देख रहे हैं तो टनल के अंदर जाके देखते हैं, इसमें काफी टनल्स आएगी। टनल नंबर 3 है ये और टनल के अंदर काफी अंधेरा दिख रहा है। अभी यहाँ पर मतलब ये ट्रायल के लिए खुला हुआ है, अभी एक्चुअल में इसका ट्रायल के लिए खोला गया है इसे। तो काफी मतलब लाइटें ऑन करनी पड़ी यहाँ पर, आप देख रहे हैं, और हम लाइट ऑफ कर देंगे और टनल से निकल चुके हैं हम फ्रेंड्स। तो काफी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस, अच्छी टनल है और ये रोड काफ़ी फास्ट है फ्रेंड्स। अभी यहाँ से 1 घंटे के अंदर अंदर हम यहाँ से मंडी पहुँच सकते हैं और फिर मनाली के लिए जा सकते हैं। तो ये बहुत ही फास्ट है, अभी आप देख सकते हैं आगे आ रहा है और सामने ही यहाँ पर सतलुज नदी जो है हमारी, उसके साथ साथ ये बना हुआ है और ये मनाली भी देख सकते हैं, कल्लर मनाली में भी टोल प्लाजे भी है, पर अभी टोल प्लाजे जो है वो टोल प्लाजा ऑपरेशनल नहीं है मेरे ख्याल। देखते हैं आगे जाके, सुंदरनगर 42 किलोमीटर बता रहा है यहाँ से, 42 किलोमीटर सुंदरनगर 42 किलोमीटर और 120 की स्पीड में 42 किलोमीटर 20 मिनट ओनली 20 मिनट्स की इसमें स्पीड 120 की है। तो आप खुद ही देख सकते हैं इसकी स्पीड में तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट। ये नेशनल हाईवे है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये बहुत बड़ी अचीवमेंट मुझे लगती है, इसमें काफ़ी खुशी आती है इस रोड पे जाके। और सामने सतलुज नदी के ऊपर से आप सामने देख सकते हैं और यहाँ से मनाली जो है 170 किलोमीटर और शिमला के लिए भी यहाँ से जो है 52 किलोमीटर। ये पॉइंट आ गया है फ्रेंड्स यहाँ पर, जहाँ से आप देख सकते हैं कि मनाली 169 किलोमीटर है। काफी ज्यादा फास्ट है फ्रेंड्स, ये सतलुज नदी के ऊपर काफी बड़ा ब्रिज है फ्रेंड्स। ये सतलुज नदी आप देख रहे हैं काफी चले गए हाइट से है। तुम गोदे खाने को जैसे खोया हूँ,